7 सितंबर से गणेश उत्सव की शुरुआत हो रही है। गणेश उत्सव को लेकर भक्तों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। ऐसे में बप्पा को भक्तगण सहजता से घर ला सके, इसके लिए 4 से 7 सितंबर के दौरान श्री गणेश मूर्ति प्रदर्शनी और बिक्री का आयोजन चांदा क्लब में किया गया है। इस संदर्भ में मनपा आयुक्त विपिन पालीवाल ने क्या जानकारी दी, देखते हैं इस खबर में। उत्सव काल में श्री गणेश मूर्ति दुकानों पर होने वाली भीड़ से यातायात की समस्या निर्माण न हो और नागरिक सहजता से मूर्ति खरीदी कर घर ले जा सके, इस दृष्टि से चंद्रपुर महानगर पालिका की ओर से 4 से 7 सितंबर दौरान चांदा क्लब में श्री गणेश मूर्ति प्रदर्शनी और बिक्री का आयोजन किया गया है। आने वाले 7 सितंबर से गणेश उत्सव को शुरुआत हो रही है। अधिकांश घर में गणेश मूर्ति की स्थापना की जाती है। मूर्ति बिक्री करने वाले अनेक मूर्ति विक्रेता यह शहर के भीड़ के स्थान पर ही गणेश मूर्ति की बिक्री करते हैं, जिससे नागरिकों को मूर्ति की खरीदी करने के लिए भीड़ के स्थान जाने के अलावा और कोई पर्याय नहीं रहता। मूर्ति विक्रेता स्टॉल के लिए गुरुवार 26 अगस्त से पंजीयन कर सकते हैं। राष्ट्रीय नागरिक उपजीविका अभियान कार्यालय और जोन 3 कार्यालय में पंजीयन कार्यालय शुरू किया जा रहा है। भीड़ मुक्त खुले वातावरण में श्री गणेश का आगमन होने की दृष्टि से नागरिकों ने चांदा क्लब से मूर्ति की खरीदी करने का आह्वान चंद्रपुर महानगर पालिका की ओर से किया जा रहा है। तो आइए सुनते हैं इस संदर्भ में और अधिक जानकारी देते हुए मनपा आयुक्त विपिन पालीवाल ने क्या कहा। चंद्रपुर शहरामध्ये दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात गणेश मूर्ति खरेदी करण्यासाठी गर्दी होते आणि जे शेवटचे 2-3 दिवस असतात त्यामध्ये शहरामधील जो मध्यभाग आहे, सेंट्रल भाग आहे, जटपुरा गेटच्या आतील भागात, इथे मोठ्या प्रमाणात गणेश मूर्ती बनवणारे कारागीर आहेत आणि विक्रेतेसुद्धा दुकान या परिसरात लावतात। दरवर्षी ही होणारी गर्दी लक्षात घेता यावेळेस आम्ही मूर्तिकार मंडळांची बैठक घेऊन चांदा क्लब ग्राउंड येथे गणेश मूर्ती प्रदर्शन विक्री व्यवस्था आयोजित करत आहोत। यामध्ये शहरातील सर्व मूर्तिकार त्यांच्या गणेश मूर्ती तेथून त्या विक्रीसाठी आणि प्रदर्शनासाठी ठेवणार आहेत, त्याकरता त्यांचा स्टॉल उपलब्ध करून देणार आहे। सोबतच या ठिकाणी आपण पूजा साहित्य विक्री आणि सजावट साहित्य विक्री याचे सुद्धा स्टॉल ठेवणार आहोत। म्हणजे एकाच जागी नागरिकांना श्री गणेश उत्सव साजरा करण्यासाठी ज्या आवश्यक बाबी आहेत त्या उपलब्ध होतील अशी व्यवस्था जे केली जाणार आहे आणि त्यामध्ये सर्व तिथं स्वच्छतेची व्यवस्था, लाईटची व्यवस्था आणि इतर सर्व व्यवस्था त्या भागात करण्यात येणार आहे। सोबतच तिथून जे गणेश मूर्ती घेऊन जातील ते भाविक त्यांच्यासाठी लकी ड्रॉचं सुद्धा आयोजन केलेलं आहे आणि त्या लकी ड्रॉच्या माध्यमातून नागरिकांना बक्षीसंसुद्धा दिली जाणार आहे। सी टी व्ही के लिए प्रतिनिधि वैभव रियारकर की रिपोर्ट।